नमस्कार, मैं अनुसैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। और जैसा कि आपने देखा, कल से ही काफ़ी भारी बारिश यहां पर हो रही है देहरादून में। और आप देख सकते हैं मानसून किस तरीके से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है, ये आप तस्वीरों में सीधे रूप से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। और आप ये पुल देख रहे हैं, इस जो रात कल से भारी बारिश यहाँ पर हुई है और मानसून किस तरीके से खतरा बनकर आया है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये जो मिट्टी है, आप सामने ये दुकान देख रहे हैं, जो लोगों के इधर जो घर आप सामने देख रहे हैं, ये लोगों के आने जाने का रास्ता था। और ये रात जब बारिश हुई तो ये धाराशाही होकर नीचे गिर गया, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं ये इधर है और पुल बिल्कुल पूरे तरीके से अंदर जो मिट्टी का कटान है वो हो चुका है। और यहाँ पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर चुके हैं, रास्ता बिल्कुल बंद है आप देख सकते हैं। और काफ़ी जो ये सामने घर है और पीछे इधर की साइड भी एक घर है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ की बाउंड्री भी टूटी है, अगर वहाँ तक पहुँच जाना चाहेंगे, रास्ता वैसे नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा नज़ारा, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिट्टी कटी है। और ये जो पुल है, यानी कि आप देख सकते हैं इस पुल का भी अभी कोई भरोसा नहीं कि अगर अगली बारिश आ जाए तो इस पुल पर भी इसका कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके सामने घर हैं। सर, आपका नाम? दीपक है मेरा नाम। सर, जो ये सामने ये दुकान टूटी है, किस वक्त की ये घटना है? ये 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास की है। जी जी, तो कितना नुकसान है यहाँ पर आपका हुआ है? सर, नुकसान तो क्या, पर ये है कि अब हमारा तो घर है ना वो सामने वाला, वो पूरा कटान हो गया, देखो ना, उससे वो पूरा हमारा आगे का नुकसान हो गया पूरा। वो शुक्र समझो कि हमारे बच्चे छोटे छोटे, अगर पानी तेज आ जाता तो हमारे बच्चे ना वो हो जाए ऐसे करके। तो क्या कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है? नहीं, जान माल का तो नहीं हुआ, लेकिन ये अंदर से जो हमारा पीछे की तरफ एक ये निदेशालय है, इसके पीछे से हमारे कोई एक बाउंड्री, उनके पानी आया होगा वहाँ से, एक दीवार टूटी है, वहाँ से पानी निकल करके हमारे कमरों में घुस के गया है, 2-3 फुट। तो उसमें क्या है कि हमारा जो थोड़ा सामान था वो सारा बह के चले गया। तो ये हुआ कैसे है कि जैसे पानी आप बता रहे हैं कि निदेशालय का जब पानी आता है उस वजह से, तो क्या कभी आपने इसके बारे में निदेशालय को सूचित किया है कि पानी आ रहा है? नहीं, पहले तो सर वो इधर उधर वो बरसाती नाला था वो ना पानी उधर से, अब इन्होंने क्या करा, इधर से बंद कर दिया है। तो पहले उधर से नाला निकास उधर इन्होंने उधर से किया हुआ था, अब क्या हुआ, एक निदेशालय से 2-3 निदेशालय बन चुके हैं। तो अब ये क्या है कि इसमें अब इन्होंने क्या है, उसको फ्रेश डाल दिया। अब इन्होंने नाला ना इधर पानी का निकास इधर दिया नहीं, अब वो पानी क्या है बाउंड्री से निकल के जो छोटे छोटे वो छेद होते हैं उनमें से निकल के बाहर आ रहा है, वो साला कच्ची होगी क्योंकि बाउंड्री टूट गया, वो नीचे आ गया फिर सारा पानी एक बार में। तो अभी तक कोई किसी की तरफ से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला है सर, शासन प्रशासन की ओर से? देखते हैं सर, वैसे हमने अपने पार्षद जी को बताया है, वो अभी उनको उनके संज्ञान में डाला है, वो आए थे अभी देख के गए हैं, पटवारी और वो आए थे आपदा प्रबंधन की टीम, अभी वो देख के गए हैं, अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि जो पीछे निदेशालय का ऑफिस है और यहाँ से जो पानी आता है वो पानी रिस के नीचे आता है, जिसकी वजह से ये पूरा यहाँ पर मिट्टी का कटान हुआ है। और लोगों के जो घर हैं पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार से, और लोगों के जो घर हैं इन पर भी अगर बारिश होती है तो थोड़ा बहुत खतरा इन घरों पर भी मंडराता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये पानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भराव है, भराव बिल्कुल भी नहीं है, जो पानी है वो रिस के सीधे नीचे बाउंड्री में जाता है। ये जो पुल है यहाँ से आवाजाही बिल्कुल बंद है और बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सामने है मिट्टी का कटा हो चुका है, जो ये दुकान है वो भी ढहकर नीचे गिर गई है। ये पूरा पुश्ता गया था, उसके बाद उन्होंने पुश्ता तो लगाया, आधा लगाया, और उसके बाद ये जो ये पूरा भरान होना था वो कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन को कुछ तो करना चाहिए ना इसके बारे में, और आगे भी जो थोड़ा सा पुश्ता लगाया आगे पुल का हिस्सा वो भी छोड़ दिया, उसमें भी खतरा है हम लोगों को। पुल बनाते हैं पर पूरा पैसा नहीं लगाते उसमें, पूरा ढंग से बनाए तो क्यों इस तरह का नुकसान होता है। तो अभी देखना यही होगा कि शासन प्रशासन की ओर से इन्हें क्या कुछ मदद दी जाती है। और जो लोगों का कहना है कि निदेशालय का पानी आता है, उस पानी का कैसे निजात होता है, और भी लोग मौजूद हैं। सर, कैसे हुआ ये सब? तो ये आईटी पार्क जो है ना, पहले नदी थी बहुत बड़ी, अब इसको जो है नदी को नाला बना दिया गया है, तो इसलिए पानी जो है ब्लॉक हो रहा है। तो ये पानी जो है ये टक्कर मार रहा है बहुत ज़ोर से, जो ये घरों में पानी आ रहा है और पंचायती घर से भी, इसके घर से भी पानी आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो क्या नाम लेके नदी में तो जाता नहीं है क्योंकि एक पाइप है वो ना ब्लॉक हो जाता है, तो उस पर जो है टकराव जो है पंचायती घर की तरफ मारता है, फिर जो है पानी आता है बहुत भाव से।
तो ये इसी चक्कर से ये जो है ये टूटा है, तो इसी के चक्कर से टूटा। हमारे घर में भी बहुत पानी घुस गया है और बहुत नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं पीछे, दिखाना चाहूँगा, ये पीछे पंचायत घर है और इसी पंचायत घर लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, जिस वजह से पानी, ये जो बाउंड्री है, ये पानी इस बाउंड्री में नीचे जाता था और जब भारी बारिश, कल से भारी बारिश हुई है तो जो पानी है वो पानी यहाँ से आया और जब पानी इकट्ठा हो गया तो बाउंड्री के नीचे जब पानी गया तो वो कमज़ोर हो गई और उसने अपना रास्ता बनाया, तो जो पानी आया है वो लोगों के घरों में यहाँ पर घुसा है और लोगों का, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और घरों में अभी तक भी लोगों के पानी भरा हुआ है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा मलबा यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं, लोगों से भी जानेंगे, सर ये पानी कब से यहाँ पर जमा हुआ था और कब से ऐसे हो रहा है? तो काफ़ी टाइम से जमा होता था पर धीरे धीरे निकल जाता था, पर इस बार ज़्यादा बारिश हुई है तो इसके कारण जो है ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो इसलिए जो है बाउंड्री टूटी और सीधा मलबा जो है हमारे घर के अंदर आ गया, पूरा सारा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे ये पानी आया था तो आपने क्या कभी इसकी किसी को सूचना दी है कि भाई ये पानी यहाँ पर जमा हो रहा है, घरों को नुकसान हो सकता है? सर कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ से पानी आएगा, भी हमें पता था कि ये नाला आगे है तो वहाँ से निकासी दे रखी है इन लोगों ने, तो हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। 20-22 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारा कोई घर में ना कोई क्षति था आज तक, कुछ नहीं हुआ था नुकसान यहाँ पे, और हमें सपोर्ट भी किया है निर्देशालय वालों ने आज तक, जो भी देखते थे निकल के बाहर में, कभी बिजली तार टूट गई कुछ देख के हमारी हेल्प करते थे, मगर आज इतना पानी आ चुका है हमारी आँखों में आंसू है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और सारे घर से बेघर कर दिया हमारे को। हम बोल रहे सर देखो तो सही यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बोल रहे हम नाला निकालेंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ के, हमें मुआवजा देना चाहिए इनको, अगर हमें भेजना है तो हमें मुआवजा चाहिए यहाँ का, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे सर पे तो पति भी नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस, मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए, जहाँ पे भी भेजेंगे हम चले जाएंगे पर हमें सुरक्षित चाहिए, जैसा मेरा घर है ऐसा ही चाहिए मुझे, मेरा परिवार ऐसा ही चाहिए, ये कुछ भी बनाए हमारी तरफ से मगर हमें सुरक्षित जगह पर भेज दें बस, हमारी किसी से बैर विरोध नहीं, ना हमारी किसी से कुछ वो है, हम तो अपने रह रहे थे अपनी रोटी खा रहे बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि जो पानी आता है सबसे बड़ी समस्या जो है, जो पीछे से पानी आता है निदेशालय का, उस पानी की वजह से यहाँ पर जो लोगों का नुकसान है वो हुआ है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन की तरफ से इससे क्या निजात पाया जाता है और जो ये पानी है इसे किस प्रकार से रोका जाता है और लोगों को क्या कुछ मदद मुहैया कराई जाती है। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।